चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आसाम स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए स्टेट मेरिट प्रिपेयर करने के लिए आसाम स्टेट डीएमई ने उन कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं जो आसाम स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट हैं और आसाम स्टेट कोटा में एमबीबीएस बीडीएस के लिए इलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, और उनका नाम आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट में नहीं है, जो 23 नवंबर को dme.assam.gov.in पर पब्लिश की गई थी। तो इसकी इस वेबसाइट पर स्टेट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। अगर आप आसाम स्टेट के लिए इलिजिबल हैं एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए, आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन डिपॉजिट करना है। वो एप्लीकेशन आपको डीएमई ऑफिस में डिपॉजिट करना है, उनके एप्लीकेशन वेरीफाई किए जाएंगे और अगर वो इलिजिबल रहेंगे तो उनका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। इस एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स के साथ में 7 दिसंबर 21 से पहले आसाम के डीएमई ऑफिस एग्जामिनेशन सेल रूम नंबर 5 में डिपॉजिट कर दें। ये आपको ऑफिस हावर्स में ही डिपॉजिट करने होंगे, उसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ईमेल और पोस्ट के द्वारा भेजी गई एप्लीकेशन फॉर्म भी ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। एप्लीकेशन इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करने होंगे और वहां से फर्दर रेफरेंस के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट लेना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाने हैं, वो है नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, परमानेंट रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट पेरेंट्स का, जो ये पीरियड कवर करते हुए कि कितना टाइम उनको मतलब सर्विस करते हुए हुआ है, ये सर्विस सर्टिफिकेट लगाना है। इसके बाद में आउटसाइड आसाम से बाहर कितने साल तक उन्होंने सर्विस की है, ये उसमें मेंशन होना चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट में, और उसके साथ में 10+2 की मार्कशीट। तो ये डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाकर आपको डिपॉजिट करना है आसाम की डीएमई ऑफिस में 7 दिसंबर से पहले पहले। तो ये एक आसाम स्टेट के लिए अपडेट था। जब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होंगे, तब आपको फिर से इन्फॉर्म कर देंगे। अदर स्टेट की काउंसलिंग भी जैसे जैसे होगी उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।